गुजरात में आसमानी आफत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। अगले 24 घंटे तक गुजरात के कई जिलों में राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए गुजरात के द्वारका, राजकोट, भावनगर और वलसाड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब यह है कि इन जिलों में सैलाब गुजरात के जूनागढ़ और नवसारी जैसा कोहराम मचा सकता है। बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से इन दोनों ही जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। नवसारी में हालात ऐसे हो चुके हैं मानो सड़कों के ऊपर दरिया बह रहा हो, जबकि गिरनार की पहाड़ी से आए सैलाब ने जूनागढ़ में भी तबाही मचा दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुजरात में पहले ही आफत की बारिश हो रही थी और अभी अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गुजरात के अलग अलग जिलों में कहीं ऑरेंज अलर्ट, कहीं रेड अलर्ट, और ऐसे में अब संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि पहले ही गुजरात का हाल जो बेहाल है, इस बारिश के बाद कहीं ऐसा ना हो कि इन 5 जिलों में हालात और खराब हो जाए। तस्वीरें आप देखिए, गुजरात के अलग अलग इलाकों में पानी पानी दिखाई दे रहा है, मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है और लगातार लोग परेशान है। और वहीं ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पर गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यानी इस वक्त गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से भीमगौड़ा बैराज से अधिकारी फिलहाल नजर बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें आपको हरिद्वार की हम दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो गंगा नदी का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अब भी गंगा यहाँ खतरे के निशान के ऊपर है और ऐसे में अगर पानी और बढ़ता है तो फिर परेशानी खड़ी हो सकती है, और यही वजह है कि अधिकारी लगातार यहां पर नजर बनाए हुए हैं। यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में पहाड़ गिरने की इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। उत्तरकाशी से आए एक दूसरे वीडियो में यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ से आया मिट्टी का मलबा बिखरा दिखा, जबकि मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ कुछ लोग हाईवे से कीचड़ और मलबा हटाते हुए दिखे। उत्तरकाशी के डाबर कोट में मलबा आने की वजह से यमुनोत्री हाईवे को खोला नहीं जा सका। इस बीच उत्तराखंड के बद्रीनाथ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस किसी ने भी इसे देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया हो। इस घटना से पहले वहां कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। इस दौरान पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी गिरती रही, जिसे देखकर लोगों को ये एहसास हो गया था कि पहाड़ दरकने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया।